गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूबर, और आज सुबह सुबह सरकार ने मुझे 500 रुपये का शगुन भेजा है। कल रात 12 बजे सीधा सीधा उन्होंने मुझे 500 रुपये की पत्ती भेज दी कि भैया आपको 500 रुपये भरना है, फाइन। मैंने कहा यार ये कैसी शुरुआत करी है मेरे दिन की, 500 रुपये यार, 500 500 होता है यार, पैसे पैसे होते हैं। मैं बहुत अपसेट हूँ आज, बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं मॉर्निंग वॉक पर निकला हूँ थोड़ा अपना रेज निकालने के लिए सिस्टम के खिलाफ। अब मैं यहाँ पे किसी चौक में जाके धरना दूंगा। चलोगे मेरे साथ? चलोगे? मंथ एंड में यार मेरे अकाउंट में 300 रुपये है अभी, 500 कहाँ से भरूंगा? क्रेडिट कार्ड पे चलने वाले लोग हैं हम, सच्ची में 300 है, सच में। ठीक है, मेरी गलती थी, तो भरेंगे यार, भरेंगे, आज ही भरेंगे। पहले मोहित को कॉल करता हूँ कि क्या है, क्योंकि मेरा लेखा जोखा वही रखता है। बड़े दिनों के बाद एक अच्छी सी वॉक पे गया मैं आज, एंड आई एम फीलिंग ग्रेट। अभी चलते हैं घर पे और देखते हैं गुग्गू उठी है कि नहीं उठी। घर पहुंच गए हैं और ये आ गए हैं गुग्गू जी। गुग्गू जी आ जाइए प्लीज। गुड मॉर्निंग इंडिया, हम सब की प्यारी गुग्गू उठ गई है विद 20% बैटरी। बैटरी पूरी है इसकी। और आज आज तुम्हें तुम्हें बताया मैंने, आज हमें सरकार ने हमें चालान भेजा है 500 रुपये का। सुबह मुझे लग रहा था कि लाइक मुझे इन्होंने वो पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनाया, इस वजह से भेजा है चालान। लेकिन मैंने बाद में उनसे कंफर्म किया तो उन्होंने बोला कि नो पार्किंग में आपकी गाड़ी खड़ी थी। नो पार्किंग में गाड़ी क्यों खड़ी थी? क्योंकि कल हम जब गए थे ना खुसरो बार्ग में, तो वहाँ पे हमने बाहर गाड़ी लगाई थी और गुगु मारुति से उतर के मर्सिडीज पे। और जब मैंने लास्ट टाइम पे आप लोगों को बोला था ना कि कमेंट करो, आप लोगों ने मुझे बोला मारुति, बहुत सारे लोगों ने, नाम भूल गया क्या? याद रखूंगा मैं सबको, नाम सबके याद है, इतना याद रखना, मेरी बेइज्जती की है ना जो। बहुत ज्यादा दुख हो रहा है गुगु मुझे, तुम्हारी वजह से मेरा 500 का चालान कट गया। हाँ, तुमने बोला कि उधर जाना उधर जाना है, गुगु मुझे चूना लगा दिया, चूना चूना चूना, काले शीशे नहीं देखे उन्होंने। सही में यार है ना, अगर वो देख लिया होता तो 5500 होता चालान। हाँ मैंने नहीं दिखाना मुंह अपना, मैंने नहीं दिखाना, मेरा चालान कटा है, मेरा चालान कटा है गुगु। गुगु मम्मा ने बोला कि कूड़ा फेंक दो, इसलिए मैं आपको फेंकने जा रहा हूँ। थैंक यू, इन्होंने हमसे वादा किया था कि कूड़ा ले जाएंगे, लेकिन आपको लेके नहीं गए। मुझे पता चल गया हमारा चालान ना नो पार्किंग की वजह से कटा था। हाँ तो पता ही है। तो तुम्हें पता कि जहाँ पे हमने कल पार्क करी थी गाड़ी, उसमें मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था नो पार्किंग टो अवे जोन। नहीं लिखा था, नो लिखा था, मैंने अभी ब्लॉग एडिट कर रहा था मैं कल का, तब मैंने देखा इतने मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, इसीलिए कोई गाड़ी नहीं लगी थी वहाँ पे। वो बैठे तो मतलब उतार के भाग रहे थे लोग जल्दी जल्दी, और हम बड़े मस्त बिल्कुल पार्क पार्क करके उतर के पार्क के अंदर चले गए। मैं दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ तुम्हें उसमें। मैं काला चश्मा लगा लेता हूँ, मैं आदमी को आदमी नहीं मानता फिर, तुम तो देख सकती थी यार कम से कम। सच में 500 रुपये की पत्ती लग गई यार फालतू में वो भी। और द आयरनी इज की अकाउंट में 300 रुपये है मेरे, मैं 500 कहाँ से भरूंगा? दे दो यार थोड़े से, प्लीज दे देना 200 रुपये तुम दे दो, 250 डलेगा, मुझे नहीं पता, तुम भी साथ में थी, शॉपिंग कराई थी ना मैंने उस दिन, कितनी शॉपिंग करवाई थी, तो ऐसे तो मैंने तुम्हें कितनी बार शॉपिंग करवाई होगी। यार ये नहीं तो 250 चलेगा, ठीक है दे देना। और देख लिया करो यार कभी कभार, तुम भी देख लिया करो फालतू में यार, देख लिया करो। वहाँ इतने मोटे मोटे अक्षरों में बोर्ड लगा हुआ था टो अवे जोन, अच्छा हुआ टो नहीं हुई गाड़ी, टो हुई होती ना तो हम गुगु को लेके ऑटो में बैठ के आ रहे होते घर। उठ गई है और उठ के बैठ गई है, देख लो। नहीं कौन है तुके बैठ जाता भाई? बाबा जी ऐसे बिना बताए आप कुछ छेड़ छुनका कुछ तो किया करो कि हमें पता चले कि उठ गए हो। ऐसे तो नीचे डम हो जाते हो हाँ, उठने का कुछ तो इशारा दो। तेरी माँ ने ना मुझे बहुत परेशान किया है, ऑर्डर पे ऑर्डर करे जा रही और फिर मेरा ना दिमाग खाती रहती है बैठ के कि ये देखो ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है। किसी में मैं बोल दूं ये पहले मुझसे पूछेगी कि कौन सा वाला अच्छा लग रहा है, जब मैंने बता दी ये वाला अच्छा लग रहा है, नहीं नहीं ये अच्छा लग रहा है, तो फिर ये अच्छा लग रहा है, तो देख लेना खुद मेरा दिमाग क्यों खा रही है। क्योंकि आप पता क्या करते हैं, मतलब ये अच्छा लग रहा है, हां नहीं इसके साथ ये अच्छा लग रहा है, अरे हां क्योंकि आप देखते ही। तो टाइम हो गया है
कौन सा टाइम, मुंह उठा के बाहर जाने का टाइम, और हमने अपने अपने मुंह उठाए हैं और बाहर जा रहे हैं ना गुगु। गुगु ये देखो क्या दिखा, ये लो। हेलो बोल रहा है आपको, हेलो करो। सुबह आता है मेरे घर में। हाँ आता है, इसका नाम क्या है? ऐसे देख देखो पीछे कैसे भाग रही है दूर से ही चलो चलो चलो, बाय 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 कर रहे पापा, बोलो मैं जा रहा हूँ। चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ गुगु, बाय बाय। आज मजा आता है, बटर का देख लो आज, देखो गाड़ी गाड़ी मम्मा हट बदमाश, कहाँ जा रहे हैं ये सबसे बड़ा सवाल है कि कहाँ जा रहे हैं। अच्छा मौसम देखता है, दिखता है हमको और हम निकल लेता है। और आज ध्यान रखना है, कहीं भी पार्किंग करनी है तो पढ़ना वहाँ पे कि ये नो पार्किंग जोन है, टो वे जोन है या क्या है। आज हम जाएंगे रेसिटी की तरफ। 500 रुपए के डीजल में पता है कितनी बार घूम सकते थे हम सिविल लाइन, इसलिए कहते हैं अनपढ़ अनपढ़ लड़की से कभी शादी मत करो। क्या अनपढ़ लड़की से शादी कर ली मैंने, उस चक्कर में मेरे पति भी मेरा अनपढ़ ही। बस गुगु तुम पढ़ लेना प्लीज, पर गुगु तो हीरोइन बनेगी। गुहिर ये मुंह और मसूर की दाल गुस्सा अच्छा नहीं बनोगी पता नहीं इसने गुस्सा कहाँ से सीखा है ना, हमने तो सिखाया नहीं। देखो ये जो लोग कहते हैं ना कि बच्चा माँ के पेट में जब रहता तब भी बहुत सारी चीजें सीखता है, ये हम नहीं मानते थे बिल्कुल भी पहले, लेकिन अभी ना ये बात मैं तो 100% मानने लग गया हूँ क्योंकि जब हम जब गुगु होने वाली थी ना तो उससे पहले से ही हमारा आपस में जैसे भी एक दूसरे को ऐसे मजाक में गुस्सा करना ना, तो हम एक दूसरे को कैसे ऐसे करते थे हम, मजाक वाले। हाँ और बच्चों को गुस्सा कौन ही सिखाता है यार, हम क्यों सिखाएंगे कि गुगु ऐसे गुस्सा करना होता है। अभी एक साल की भी नहीं हुई थी पूरी, तब से ये कर रही है, फुल्ली कंफर्म्ड है ये बात कि ये पेट में ही सीख के आई ये वाली चीज। और भी काफी सारी चीजें हैं जो लाइक मतलब हम लोग करते थे और ये ऑटोमेटिकली आ गई है, जैसे कि सच में होता है नहीं होता होगा यार ऐसा, अदरवाइज यही चीज क्यों, जैसे हम ये वाला करते थे ये देखो। अरे गुगु कहाँ गई, गुगु कहाँ है, गुगु कहाँ है, गुगु दिखाई नहीं दे रही, गुगु कितने प्यारी लग रही है ना। अभी हम गुगु से एक सवाल पूछने वाले हैं, पूछो गुगु। पानी पीना पीना भाई गुगु का जवाब देखा, पानी देखा। ये ले पानी अच्छा पी लो, फिर आपके ही बेटे आपके लिए लाए हैं, अपने आप से पियो, अपने आप पीना सीखो, नहीं मम्मा से ही पीना है। और प्रयागराज में भारी मात्रा में तूफान, ओए होए होए हो, बल्ले 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 बल्ले, हे भगवान भागो। आए थे हम वीडियो बनाने यहाँ पे, सोचा यहाँ रुक के वीडियो बनाते हैं, वीडियो क्या बनाने यहाँ पे, तो तूफान ही बड़ा खतरनाक आया, बारिश हो जाए तो अच्छा, बारिश लग तो रहा, बारिश हो जाएगी अभी। हवा प्रॉपर गांव वाली फील, ये बड़ी अच्छी जगह ढूंढी है हमने, है ना। आज मौसम मौसम भी अच्छा है और जगह भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी जगह है यार, गेहूं के खेत, खुली खुली जगह, आहा शहर से थोड़ा सा बाहर आ गए ना, बड़ा बड़ा स्वाद आ जाता है। बारिश आ गई, भागो 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 भागो, जूते साफ करके, ऐसे गंदे नहीं जूते झाड़ के चढ़ना है गाड़ी में जब भी चढ़ना, ऊपर इनके पास तो जूते नहीं, मम्मा को समझा दो ये बात अच्छे से। बारिश होगी शुरू, हल्की हल्की बूंदा बांदी, कितने टाइम बाद हुई ना कि हम गाड़ी में और बारिश हो रही हो। हाँ। याद भी नहीं है तो लास्ट टाइम, मर तो कुर्ग याद है बस, उसके बाद याद ही नहीं है। कुर्ग, हाँ कुर्ग के टाइम पे भी काफी बारिश हुई थी ना। हाँ, बहुत। जिसने कुर्ग वाला ब्लॉग नहीं देखा है, कुर्ग बेंगलोर टू कुर्ग पंक 2.0 सर्च कर लो यूट्यूब पे, आ जाएगा सबसे नीचे होगा ना, ये तो सर्च करते करते बहुत टाइम लग जाएगा आपको, डायरेक्ट सर्च मारो डायरेक्टली देख लो, मजे आए थे बहुत, मजा बहुत। अभी वाइपर नहीं चलाऊंगा, अभी मिट्टी है इस पे, अभी जब नहीं दिख रहा है सब कुछ, जब ज्यादा हो जाएगी तब।
हमने फर्जी देखी ना और आगे चल रही है कैश वैन। अब पूनम पता क्या कर रही है, क्या कह रही है? बुमराह जी आए हमारे पास। बुमराह IPL शुरू होने वाला 31st को, खेल नहीं रहे? मैं क्या करूँगा, मैं इतना छोटा सा, IPL की टीम में मेरे को लिया ही नहीं। क्यों? पता नहीं यार, तुम लाइन लेंथ खराब हो गई। नो पे नो बुमराह नहीं खेल रहा ना ये वाला IPL। अगर इस बार जसप्रीत बुमराह IPL खेल गया ना तो मैं जिंदगी भर उसे हेट करूंगा, क्योंकि इंडिया टीम के लिए कभी नहीं खेल रहा बुमराह, और IPL आते ही वो फिट हो जाता है। घर के अंदर से कौन आया निकल के, ये बड़े अच्छे मौसम का नजारा लेने आया बाहर। गुगू बारिश होने लगी है, भीग जाओगे। गाड़ी वाला चला गया। तो दोपहर वाली दाल खा के मैं हो गया हूँ तंदुरुस्त, मेरा पेट हो गया दुरुस्त। खाना खा लिया मैंने। दोपहर वाली दाल, दोपहर वाली दाल को दोपहर वाली दाल ही बोलते हैं। तो आप नीचे उनो खेलने चलेंगे तो मैं बना देती हूं। अच्छा हाँ, दोपहर वाली दाल वो आपके लिए नहीं, दोपहर वाली दाल। क्या ये चलो 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 शाबाश, मोड़ो 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 मोड़ो, कमॉन कमॉन गुगू, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो मेरे पास नहीं टायर ना, तुम्हारे पास टायर है। मेरी धर्मशालाओं में से आग निकलनी शुरू हो गई है। मेरी आधी तनख्वाह डायपरों में जा रही है, आधी तनख्वाह मेरी डायपरों में जा रही है। क्या बोला? मम्मा बोला, जिंदगी में पहली बार मम्मा बोला इन्होंने। सो गुगु ने मम्मा बोल ही दिया फाइनली आज। हाँ आज मम्मा बोल ही दिया, आज मम्मा बोल दिया इन्होंने। सो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो शेयर कर दो, ठीक है? पसंद आई होगा तो क्या आया होगा, आया है पसंद, शेयर करना है, ठीक है? और बाकी ऐसे ही प्यार बनाए रखो, और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। टिल देन बाय 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 बाय। चलो बाय बाय।